हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं भैया आप सब ठीक होंगे। तो आप सबका स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। और ये देखिए भाई, शाम का टाइम है और दिन है बुधवार का और तारीख है 3। और शाम के टाइम से शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने व्लॉग की। तो देखिए, अब बना रही हूँ मैं सब्जी। छोले मैंने पहले उबाल लिए थे, देखिए उबाल करके रख लिए हैं। और एक साइड गैस पे रख दिया दूध गर्म होने के लिए, और दूसरी साइड रख दी मैंने अपनी कढ़ाई। और इसमें बनाऊंगी मैं आलू छोले की सब्जी। पहले तो छोले छोले की बना रही थी, फिर भाई कुछ प्लान चेंज हो गया तो फिर मैंने आलू भी उबाल लिए अलग से, वरना पता होता तो भी पहले दोनों चीज़ साथ में रहती। तो ये आलू उबाल लिए कुछ। और देखिए, सबसे पहले मैंने डाल दिया था तेल। तेल गर्म होने के बाद भाई उसमें थोड़ा सा जीरा और तेज पत्ता और थोड़ी सी हींग ये डाल लिए। और जब वो थोड़े से भुन गए तो उसमें डाल दी मैंने प्याज। और जब प्याज अच्छे से भुन जाएगी तो उसमें डाल दूंगी मैं कूट रही हूँ धनिया अदरक और साबुत धनिया अदरक और लहसुन कूट कर इनको बारीक सा, और ये डाल दूँगी। तो देखिए मैंने कूट लिए और इसमें मिलाकर मैं डाल दूंगी। और ये इसमें मैं सब मसाले भी मिक्स कर लूँगी, अपना हल्दी नमक मिर्च सारी चीज़। तो देखिए प्याज सॉफ्ट होती है तब तक मैंने अपना ये मसाला कर लिया है तैयार। और अब डाल दूंगी प्याज भुनने के बाद मैं अपने प्याज टमाटर, और इसके साथ साथ ही मैं दूध का भी देख रही थी भाई। दूध का तो ऐसा है भाई, नज़र हटी और दुर्घटना घटी, तो दूध का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैं पास बैठे बैठे कई बार दूध को निकाल देती हूँ। और देखिए प्याज बन गई, अब डाल दी मैंने टमाटर। और टमाटर जब थोड़े से मतलब सॉफ्ट से हो जाएंगे ना, तो इसमें डाल लूँगी मैं फिर सारे मसाले जो मैंने अपनी कटोरी में करके रखे हुए हैं। और मसाले भी अपने भी उसमें कर लिए हैं मैंने, लिए है साबुत धनिया अदरक और लहसुन वो कूट लिए। और फिर उसमें भाई हल्दी नमक मिर्च और धनिया पाउडर और थोड़ा सा भाई गरम मसाला। आज पहली बारी मंगाया भाई मैंने छोला मसाला, तो बस ये सब मिक्स करके उसमें डाल दूँगी। और फिर ये पक जाएंगे ना, उसके बाद डाल लूँगी मैं आलू। तब तक मैं अपने आलू मैश कर लेती हूँ। और आलू मैश होने के बाद इसमें डाल लूँगी ना, मतलब अच्छी सब्जी बनी थी भाई। मैं तो इस तरह से ही बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हो बताना। तो देखिए सॉफ्ट हो गए मेरे टमाटर, अब डाल दिया मैंने मसाला और बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन के तैयार हो गई थी। और इधर गैस पे रख दिया मैंने 1 गिलास पानी और उसमें थोड़ी सी चाय पत्ती। चाय पत्ती गर्म करके ना उबाल के और छालने में छान के फिर वो पानी डाल देती हूँ। और कई बार जैसे मैं छोले उबालती हूँ तो उसमें ही अपनी कोटली बनाकर पत्ती की वो रख लेती हूँ, तो उससे बन जाते हैं। और कई बार मैं ऐसे भी कर लेती हूँ। तो आज मैंने पहले वो डाला नहीं, तो मैं सोचा भी आज ऐसे पानी गर्म कर लेती हूँ, उबाल लेती हूँ और पत्ती डाल के फिर वो छान के डाल देंगी। तो देखिए मेरी ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी। जब तक मसाला पकता नहीं तब तक मैं अपना जैसे सामान एक्स्ट्रा होता है ना, उसे उठा उठा के रख देती हूँ भाई। मैं साथ साथ में करती रहती हूँ अपना काम, ये नहीं भाई ये कर रही हूँ तो बैठी रहूँ, नहीं अपना साथ साथ कर लेती हूँ मैं काम। और देखिए कुछ ऐसे ही ग्रेवी बन के तैयार हुई थी मेरी, बिल्कुल मतलब तेल छोड़ने लग जाए ना जब ये मसाला मतलब पक जाएगा ये समझ लेना। फिर इसमें डाल दूँगी मैं अपने आलू और छोले और फिर ये अपना पत्ती वाला पानी ये डाल दूँगी। बस 5-10 मिनट चलाऊंगी फिर बाद में, और उसके बाद ये बनकर तैयार हो जाएगी। और आप भी बना के देखना इस तरह से भाई, बहुत अच्छी बनी थी सब्जी। और जब ये आप बना के देखोगे ना तो बताना भी कैसी बनी थी मेरी तरीके से भी। मैं तो बनाती भाई इसी तरीके से, तो चलो बना लेते हैं फटाफट से। और जब ये थोड़ी सी पक जाएगी ना फिर इसमें डाल देंगे कस्तूरी मेथी, और कस्तूरी मेथी का फ्लेवर भी अच्छा आता है सब्जी। और भाई सब्जी
देखिए फिर मैं आ गई सब्जी बना के ऊपर, और आटा भी मैं लगा के रख के आ गई हूँ। फिर पूरी बनानी बचेगी तो मैं फट से पूरी बना लूँगी। तो वही देखिए, मैंने सुबह धोई थी अपनी बेड की चादर, तो मैंने सोचा चलो पहले चादर भी लगा देती हूँ। तो इधर मैंने जो कपड़े थे नहीं उतार के नीचे रख दिए, क्योंकि ऊपर कोई आता तो है नहीं, झाड़ू पोछा करके बिल्कुल साफ था, तो मैंने नीचे रख दिए ये कपड़े। और मैं लगा रही हूँ इधर अपनी बेड की चादर। तो मैं शिल्पा से बोल रही थी आज दोनों लगा देंगे, एक अकेली से ना इतनी मतलब एडजस्ट नहीं होती, तो मैंने इससे बोला कि थोड़ी इस तो मेरी हेल्प करवा दे। तो इसने करवा दी थी, और वही करवा देती है छोटे मोटे जो भी काम होते हैं ना वो करवा देती है। तो ये देखिए मैंने अपनी बेड की चादर लगा दी है खूब अच्छे से, और अब हम रख देंगे फटाफट से कपड़ा। तो मैं इससे बोली भाई लेट हो रही हूँ मैं, फिर खाना वाना बनाएंगे तो तुम्हें थोड़ी हेल्प करवा दे, अकेली फिर मैं कब तक करूँगी। तो इसने लगवा दिया था। और देखिए फिर मैं और मम्मी बनाने लग गए पूरी, कम पूरी बनती ना तो मैं अकेली बना भी लेती, पूरी बनानी थी वही ज़्यादा। तो मम्मी बोली चलो दोनों बना लेते हैं, मैं बनाऊँगी और तू मेरे को बेल बेल कर और बेल बना कर देते। तो देखिए भैया हम कितने बंदे हैं, 7-8 बंदे तो हम खुद हो जाते हैं, और वही चार 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 के यहाँ से, और वही सीमा और अंकिता आए हुए थे। तो बस इस करके ना थोड़ी एक्स्ट्रा ही बनेगी। तो चलो मैं और मम्मी बना लेते हैं पूरी, उसके बाद केक कट करेंगे। मैंने कहा पहले अपना सब बना बना के रख देते हैं और फिर तैयार होंगे और फिर केक काटेंगे, वरना फिर वही बाद में नहीं होता। तो तब तक डुगू के पापा आ जाएंगे उसका केक लेके, तब तक हम अपनी सारी तैयारी कर लेंगे। बस रायता भी बना दिया, सब्जी बना दी, और भाई खीर मैंने बना दी थी सुबह, बनाई थी मैंने खीर, आप लोगों ने देखा था सुबह बना दी थी खीर, तो बच्चों ने खा ली थी। मैंने सोचा भाई अब रायता बनाऊंगी फिर खीर नहीं खाई जाएगी, तो इसलिए मैंने सुबह बना दी थी खीर। तो आप बना लेते हैं, बस सलाद बचेगा वो बाद में काट देंगे। और आप सब भी आ जाइए, डोगो का बर्थडे है। और ये वीडियो ना आपके पास लेट पहुंच रहा है, क्योंकि फिर मैं टाइम नहीं था, तो इसको टाइम की वजह से ना एडिट नहीं कर पाई, और एडिट ही नहीं होगी तो भाई अपलोड कहाँ से होगी। तो आज मैं कर रही हूँ इसको एडिट, और अब कर दूँगी फिर मैं अपलोड, और आप लोगों के पास पहुँच जाएगी। और भाई जितना हो सके ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना जो नए जुड़ रहे हैं, और पूरा देखिए वीडियो को, भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप लोग सपोर्ट करो तभी भाई आपकी वीडियो बनेगी। तो चलो देखते रहिए और बने रहिए पूरे वीडियो में। अब बस केक कट करने की तैयारी हो रही है, जल्दी से कर लेते हैं। और देखिए पूरी खुली खुली पूरी बन के तैयार हो गई है, बाल्टी भरती है हमने बना बना के पूरी, और मम्मी अब लेके जाएगी नीचे, मैं करूंगी अभी सारा सामान सेट। देखिए मैं तैयार हूँ, नाली तैयार हो गई, बर्थडे है ना तो खाना वाना सब बना के सारा काम करती हूँ, और अब मैं हो गई तैयार, और अब केक कट करेंगे। और आज मैंने पहनी है साड़ी, और देखिए सब बच्चे आ गए हैं, और अब हो गई केक काटने की तैयारी, और अब काटते हैं केक। पापा, चाचा, लोगों के पापा, सब बच्चे, लोगों के दोस्त वगैरह सब आ चुके हैं, और बस अब केक काटेंगे, और आप सब लोग भी इंजॉय कीजिए। और चलो काटते हैं केक, और आप सब लोग भी आ जाइए केक खाने के लिए। तो चलो काट लेते हैं केक फटाफट से। और लोगों की बुआ भी आ गई, सीमा और इसका फूफा और मानू हमारी अभी आ चुके हैं, उनकी वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि मैं तैयार हो रही थी ना तब आए थे, तो ये खड़ी सीमा और वानू।
रिमा और नणदेव अंकित और ये इनकी बेटी है वानू। तो ये बस शाम के टाइम ही आए थे और ये शाम के टाइम बस केक कट करके खाना खाने के बाद चले गए थे। और देखिए टूगोर बड़ा खुश था अपने बर्थडे के लिए, बहुत खुश हो रहा था। और देखिए केक कटवा दिया था बाबा ने, इसके डुगो के बाबा ने और इसके दूसरे बाबा ने मतलब हमारे चाचा ने, उन्होंने केक कटवा दिया। और वही वैसा फटाफट से केक सब बच्चों को दे देंगे, सब डुगो के दोस्त आ रहे हैं। और ये डुगो के पास बैठे ही मेरा भतीजा है, इसको लेके आई थी मैं फिर बताती हूँ। ये मेरा भतीजा था, इसको बहुत मतलब हो रहा था मेरे को ले जाऊँगा, मेरे को भाई को बर्थडे पर आना है तो इसको लेके आई थी मैं अपने। और देखिए सब डुगो के दोस्त हैं और बस केक कटता है, इन सब बच्चों को केक खिलाएंगे और फिर सब खाना खाएंगे और आप सब भी इंजॉय कीजिए।